everyone, my name is Galaxy Parmar. जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं क्लास 10th को एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में कैसे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. अगर आपको 40 में से 40 चाहिए तो डोंट वरी, मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए. ओके, बहुत बच्चे ना थोड़े कन्फ्यूज हो चुके हैं कि हम क्या करें, हम कौन सी बुक यूज करें, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें कि नहीं, कि हम प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन करें कि नहीं करें. ओके, तो डोंट वरी, आज मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करती हूँ. तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले तो आपको अपनी टेस्ट बुक करनी चाहिए. ठीक है, यस, आपको टेस्ट बुक में है ना बहुत कुछ मिल जाएगा. जैसे कि नंबर वन, आप क्या करो, सबसे पहले तो प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चंस है ना हर चैप्टर्स के वो कर लो. आई होप आपके हो भी गए होंगे, वेरी गुड, नाइस. एंड सेकंड थिंग, आप क्या कर सकते हो कि जो हमारा टेस्ट बुक है ना उसमें प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो भी आपको करने चाहिए. क्योंकि कुछ बच्चे मुझे कमेंट में बोलते हैं कि मैम हमने अगर प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नहीं किए तो चलेगा क्या? देखो चलेगा, चलेगा क्या, दौड़ेगा, लेकिन आपको आउट ऑफ नहीं मिलेगा. क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने ऑब्जर्व किया है, उसमें प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन आए हैं और वो भी हॉट्स क्वेश्चन आए हैं. मतलब समझ सकते हो, प्रॉब्लम सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से हॉट्स क्वेश्चन आने की संभावना है. तो हम क्यों छोड़े, क्यों हम अपना प्रॉब्लम सेट छोड़ दे? अरे ऐसा थोड़ी ना, आपके सामने सब कुछ है, आप करो उसको, है ना. तो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस कर लो. एंड थर्ड थिंग जो बच्चे नहीं करते हैं वो है सॉल्व एग्जांपल. यस बच्चा, अगर आप देखोगे ना सॉल्व एग्जांपल्स में भी ऐसे बहुत सारे ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे जो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे. तो पहले उनको कर लो ना, क्या पता सॉल्व एग्जांपल से भी कुछ क्वेश्चन आ गया तो, हॉट्स क्वेश्चन या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ गया तो. तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपकी टेस्ट बुक जो आपके पास एक हथियार है उसको तो पहले आप यूज कर लो. नंबर वन, टेस्ट बुक से भी क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, फिर प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन एंड देन सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चन. ठीक है, अगर ये सब कुछ हो चुका है आपका, अगर ये सब कुछ हो चुका है तो मैं अभी सेकंड थिंग बताती हूँ जो आपको करना चाहिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर. यस, अरे ये नहीं किया तो क्या ही किया. मैंने मेरे क्लास 10th के टाइम में बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे. एंड यू वोंट बिलीव कि इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ना जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करते हो ना, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो ना तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना अलग ही लेवल पे चला जाता है. ठीक है, तो आपको ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेंगे, डोंट वरी, मैं हूं ना. तो आपको ना डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको 7 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, 7 एलजेब्रा के एंड 7 ज्योमेट्री के. अगर आपने ये 7 पेपर्स भी सॉल्व कर लिए ना तो वेरी गुड, मैं सच बोल रही हूँ, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे. ठीक है, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर दे रही हूँ, आप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, एंड अगर मान लो कि ये सब कुछ आपका हो चुका है और आपको आपको मतलब कि ये डर है कि नहीं मुझसे हॉट्स क्वेश्चन अभी भी नहीं हो रहा है. जैसे कि आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का, वो हॉट्स क्वेश्चन होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन होता है. तो उसमें बच्चों को थोड़ा सा ऐसा रहता है कि अरे नहीं हो रहा है हमसे, क्या करें. तो देखो, ये अगर आपका टेस्ट बुक पूरा अच्छे से हो गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको ये डर रहता है कि नहीं नहीं मुझसे हॉट्स क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है और उस हॉट्स क्वेश्चन की वजह से मेरे जो मार्क्स है ना वो चले जाएंगे, मतलब मुझे 40 में से 40 नहीं मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक्स आते हैं वो आप रेफर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ हॉट्स क्वेश्चन के लिए. बाकी क्वेश्चन मत करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तो पक्का हो जाएगा. अगर आपको सिर्फ हॉट्स क्वेश्चन करने हैं तो आप दूसरे पब्लिकेशंस के बुक रेफर कर सकते हो. ठीक है, लेकिन सिर्फ हॉट्स क्वेश्चन के लिए, क्योंकि टाइम पास मत करना. जैसे कि अभी देखो यहाँ पे मैंने खुद भी ये 21 सेट्स बाय किया है नवनीत का. ठीक है, पेड प्रमोशन नहीं हो रहा, टेंशन मत लो. तो यहाँ पे मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन देख रही हूँ, तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन की एक सीरीज लाऊं जिसमें मैं आपको हॉट्स क्वेश्चन कराऊंगी. ठीक है, ताकि आपका जो वो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो इंक्रीज हो जाए जब आप हॉट्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो. ठीक है, तो हॉट्स क्वेश्चन के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस के पास जाना चाहिए, जैसे नवनीत हो गया, टारगेट हो गया. चैलेंजिंग क्वेश्चन की आई थिंक बुक भी मिलती है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहां पे ना आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन की एक बुक होगी उसका पीडीएफ दूंगी. ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो जो मैंने बोला है वो करना और पक्का आपको 40 में से 40 मिलेगा. और एक बात देखो, कुछ बच्चों ने शायद अभी से पढ़ाई स्टार्ट की होगी तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं ये वो चैप्टर स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझसे अभी नहीं होगा. विच आर यू आर राइट कि आपने बहुत लेट पढ़ाई चालू की है. और इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना उनको मैं चैप्टर वाइज भी अरेंज कर रही हूँ. ठीक है, ताकि अगर कुछ बच्चों का ऐसा इरादा है कि मैं तो ये चैप्टर स्किप कर रहा हूँ तो उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिफर कर सकते हैं जो मैं अभी चैप्टर वाइज आपके लिए अरेंज कर रही हूँ. जैसे कि 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मेरे पास एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के, 7 एलजेब्रा 7 ज्योमेट्री के. तो उनको क्या कर रही हूँ, मैं चैप्टर वाइज अरेंज कर रही हूँ. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे,
फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ऐसे करके चैप्टर वाइज अरेंज करी हूँ। नेक्स्ट वीक आपको वो जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने बोला है वो फॉलो करना, बाकी तो ऑल द बेस्ट अगर आपके प्रीलियम्स एग्जाम चल रहे हैं तो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम हॉट सीरीज बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।